मनुष्य की आंख मनुष्य के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रकाश से दृश्य को बनाकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आंख में कुछ इस प्रकार के भाग दिखाई देते हैं। आंख में ऊतकों की 3 परतें होती हैं। सफ़ेद परत बाह्य परत होती है। यह सफ़ेद परत आंख को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख के अंदर प्रवेश करता है। आंख की मध्य परत की बात करें तो यह आंख को रक्त की सप्लाई करती है। मध्य परत में कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आयरस उपस्थित होते हैं। प्रकाश आंख में प्रवेश करने के बाद रेटना पर उपस्थित प्रकाश संवेदी ऊतक इस दृश्य को अवशोषित करते हैं। आंख में लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। आंख की मध्य परत में आयरस होता है, जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग का होता है। आयरस कॉर्निया के पीछे होता है। इसके दोनों साइड 2 चैम्बर होते हैं, जिससे एपिथीलियस स्रावित होता है। आयरस में पिगमेंट होता है, जिससे आयरस का कलर भिन्न भिन्न होता है। आयरस के बीच में पुतली होती है, जिससे होकर प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। आंख में उपस्थित लेंस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। लेंस की मोटाई को सीलियरी बॉडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और रेटना आंख का महत्वपूर्ण भाग है, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कॉर्न सेल और रूट सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं से हमें रंगों की पहचान की जाती है और आंख को रक्त की पूर्ति रेटिनल धमनी द्वारा पूरी की जाती है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से होकर पुतली से होते हुए लेंस से गुजरता है और आंख में प्रवेश करता है। जब कभी हमारे आसपास का वातावरण ज़्यादा डार्क होता है, तब आयरस ज़्यादा प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है, और जब वातावरण साफ सुथरा होता है, तब आयरस कम प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश करने देता है। आयरस के पीछे लेंस लगा होता है। लेंस अपने आकार में परिवर्तन करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। ऑब्जेक्ट का दृश्य रेटना पर बनता है और रेटना पर कॉर्न सेल होती हैं, जो हमें रंगीन दृश्यों को देखने में मदद करती हैं और सभी रंगों की पहचान कराती हैं। फिर रेटना पर उपस्थित प्रकाश संवेदी ऊतक इस दृश्य को ऑप्टिकल तंतु द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, और रेटना पर उपस्थित रूट सेल, जो कि रात के समय हमें देखने में काफ़ी मदद करती हैं, और रूट सेल कॉर्न सेल की अपेक्षा हमारी आंख के अंदर उपस्थित होती हैं। सबसे ज़्यादा रूट सेल हमारी आंख के अंदर उपस्थित होती हैं।